जरा खेल बंद करके सुनो, तुम्हें रोकती ना सजन में। ये इतनी बात कही, राजा नल दमयंती की नहीं सुनते। जुआ खेले जिसमें कलयुग के करने पे राजा नल की हार होती। राजा नल की हार हुई, पुष्कर ने कहा कि श्याम होने से पहले मेरे राज से बाहर हो जाओ। रानी दमयंती बड़ी समझदार थी, अपने बच्चों को कहा कि तुम सारथी के साथ अपने मामा के घर चले जाओ। वो बच्चे रोने लग जाते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। दे कौन सी दशा बताई दादा ने, क्या लिखा है।
डूब जाता है, मानस आठ मिनट का चाल पड़िया गया। ये साधु संत महात्मा फकीर एक जगह क्यों ना डटे, क्योंकि इनका मोह नहीं है, ये अपने मोह को त्याग देते। इसी तरह दोनों बच्चों ने मोह जाल तोड़ दिया, अपने मामा के घर चले तैयारी कर लेते। क्या लिखा नंबर 4?